दो मुट्ठी चावल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, प्रीति प्रेरणा के बालों की शाइन है दो मुट्ठी चावल। प्रीति प्रेरणा के चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है दो मुट्ठी चावल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्हीं दो मुट्ठी चावल से कुछ मैजिकल करने वाली हूँ। सो लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। To my beautiful people out there, welcome back to the channel. I hope you all are doing wonderfully great. आप लोगों के बहुत सारे beautiful messages मुझे throughout the channel मिल रहे हैं, जिनके लिए I am extremely thankful. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ. बिलीव मी वेन आई से इट इज मैजिकल. इस मास्क के यूजेज से ना केवल आप अपने बालों को नरिशमेंट और हेल्थ गिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों को अच्छी ग्रोथ रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा स्ट्रेंथ दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, वाइटालिटी दे सकते हैं. एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि ये आपके बालों का जो अपीयरेंस है उसको बहुत अच्छे लेवल तक अपलिफ्ट कर देता है. सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आज की रेमेडी का है राइस. जी हाँ, आई नीड नॉट टेल यू, राइस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल फॉर योर हेयर. बहुत सारे एक्सपेंसिव हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जहां पर राइस एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड बिलीव मी यू पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीस फॉर दैट. लेकिन ये जो रेमेडी आज हम ट्राई करने वाले हैं, ये आप अपने घर पर बहुत आराम से और बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. यस, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ मेस, बट बिलीव मी इट इज वर्थ इट. अगर हम बात करें राइस की ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज फॉर योर हेयर, बिलीव मी मैं पूरा दिन बोल सकती हूं और तभी भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी. राइस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों के शाफ्ट को कंप्लीटली कवर कर लेता है. जिनके बाल बहुत रफ होते हैं, टच करने पे भी बहुत रफ लगते हैं, बिलीव मी राइस का यूजेज आप करके देखिए एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये आपके बालों के शाफ्ट्स को भी रिपेयर कर सकता है बाय डिपॉजिटिंग द स्पेशल प्रोटीन इट हैज. अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आता है, तो हैव इट इन राइटिंग फ्रॉम मी. मैं आपको लिखित में दे सकती हूं कि राइस वाटर रिंस आपके बालों को एक कंप्लीट मेक ओवर दे सकता है, एक कंप्लीट चेंज दे सकता है. आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज आ चुका है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, राइस वाटर रिंस कैन एब्सोल्युटली चेंज इट. या वुमेन के बारे में तो मुझे आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है. दे हैव वंडरफुल हेयर ग्रोथ. उनके बालों की लेंथ उनकी हाइट से भी ज्यादा होती है और वो अपने हेल्दी एंड टेक्सचर्ड बालों का कंप्लीट श्रेय देती हैं चावल को. ये तो हम सभी जानते हैं कि राइस को उगने के लिए स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता होती है, यानी कि अपने ग्रोइंग स्टेज में चावल भरपूर मात्रा में पानी अपने अंदर सोक कर लेता है. यही रीजन होता है कि जब हम चावल खाते हैं तो हमें प्यास कम लगती है, क्योंकि पानी चावल के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाता है. यही कारण है कि जब आप राइस अपने बालों में अपनी शाफ्ट पे लगाएंगे तो चावल का जो हाइड्रेशन है वो आपके ड्राई और डैमेज्ड हेयर को भरपूर मात्रा में वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बाल काफी हद तक रिपेयर हो जाते हैं. और अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब हर दिन कभी भी नहीं होता, आप इसको वीकली ट्राई कर सकते हैं एंड आपके बाल ग्रेजुअली धीरे धीरे, ये नेचुरल रेमेडीज हैं, आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ग्रेजुअली यू विल सी कि आपके बाल आपके हेयर क्वालिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगे. आई कैन अश्योर यू दैट. तो यहां पर मैंने वन बोल ऑफ राइस को ओवरनाइट सोक किया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप अपने राइस को देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. राइस के ग्रेन्स आर एनीवेज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप देखेंगे द सोक्ड राइस, वो काफी खिले खिले, काफी खूबसूरत हो जाते हैं एंड साथ में ब्रिटल हो जाते हैं क्योंकि ओवरनाइट सोक हुए हैं. तो जैसे आप उसको प्रेस करके देखेंगे चावल के दानों को, तो वो इजीली टूटने लगेंगे, यानी कि हमारा राइस जो है वो कंप्लीटली सोक हो चुका है एंड रेडी टू बी ग्राउंडेड. आप इन सारे के सारे चावलों को एक ग्राइंडर में ले लेंगे और अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे. पेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ क्योंकि ये कुक्ड राइस नहीं है, अनकुक्ड राइस है. इस वजह से ये जो पूरा पेस्ट बना है ये काफी ग्रैन्युलर होगा. हियर कम्स द सेकेंड इंग्रेडिएंट एंड दैट इज योर एग. मैंने अपने हेयर लेंथ के हिसाब से यहां पर टू एग्स का इस्तेमाल किया है. आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं एग की क्वांटिटी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो लोग एग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दे कैन यूज फ्लैक्स सीड्स जेल और शिया सीड्स जेल फॉर देम सेल्व, नो प्रॉब्लम. एग इज अनदर सुपर फूड फॉर योर हेयर. बिलीव मी, राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर फूड एंड द अदर इज एग. ये दोनों सुपर फूड्स जब आपस में मिलते हैं आपके बालों के लिए, तो अनदर लेवल रेमेडी आपके बालों के लिए हो रही है.
एग के अंदर मौजूद योग आपके बालों को इतना ज्यादा मॉइस्चराइज कर देता है कि आपके बालों में जो ड्राइनेस है, भले ही कितनी पुरानी क्यों ना हो, वो बहुत इजीली चली जाती है। एग के अंदर मौजूद बायोटिन कंटेंट आपके बालों के लिए फूड है, प्रत्यक्ष फूड है। आपके बाल चाहते हैं कि बायोटिन कंटेंट उन्हें मिले, जो कि एग कंप्लीटली एंड ब्यूटिफुली पूरा करता है। सो यू शुड गिव इट अ ट्राई। ये दोनों ही चीजें जब मिलती हैं तो मैजिक क्रिएट होता है, नो डाउट। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम विद दिस मिक्स इज कि इसमें एग है और इस वजह से काफी स्टिंक करेगा, काफी स्मेल आएगी। तो इस चीज को सबसाइड करने के लिए आप इसमें हाफ अ लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने की वजह से एग की जो स्मेल है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली चली जाएगी ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पता चले आपको पार्टी में जाना है और आपने मॉर्निंग में ये ट्राई कर लिया तो पार्टी में शाम को। तीनों ही इंग्रेडिएंट्स जार में लेने के बाद मैंने इसको एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया एंड द मैजिकल हेयर मास्क इज रेडी। इसको आप एक बोल में ले लीजिए एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन। फॉर द एप्लीकेशन मैंने पार्टीशन करते हुए पूरे के पूरे स्कैल्प में इसको डिपॉजिट किया सबसे पहले एंड आफ्टर दैट मैंने इसको लेंथ पर अप्लाई किया। दिस इज गोइंग टू बी अ मेस, मैं आपको पहले ही बता दूं। जितना ज्यादा ये न्यूट्रिटिव है उतना ही इसको लगाने के लिए थोड़ा सा मेसी हो जाता है, क्योंकि ये अनकुक्ड राइस है तो ग्रैन्यूलर पार्ट जो है वो छिटकेगा। तो इसीलिए आपको इसको बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ लगाना होगा। वेयर समथिंग दैट इज वेरी शैबी और जो धुलना है, आप उसके बाद इसको अच्छे से पूरी लेंथ पे अप्लाई कीजिए, पूरे स्कैल्प पे लगाइए एंड देन मेक अ बन फॉर योर सेल्फ। हाई टॉप बन बना दीजिए बिकॉज ताकि वो ड्रिप ना हो एंड इफ पॉसिबल आप शार्क कैप पहन लीजिए। डूइंग दिस यू आर प्रोटेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिपिंग ऑन योर फेस और योर नेक और योर क्लोथ्स। After application, let the mask be on your hair for at least 1 hour, क्योंकि इतना वक्त इसे चाहिए आपके बालों में काम करने के लिए। After 1 hour, just wash it off. यहां भी patience चाहिए। I would suggest कि आप अपने बालों को टैप के नीचे upside down कर लीजिए और उसके बाद ये जो ग्रैन्यूलर पार्ट है उसको अच्छे से झड़ने दीजिए, बहने दीजिए। जब आप इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, एग इज अ नेचुरल शैम्पू, बिलीव मी, हल्का हल्का झाग प्रोड्यूस होता है अपने आप। तो आप इसको अच्छे से वाइप इट ऑफ, अपने बालों को ऐसे प्रॉपरली, वो जो ग्रैन्यूलर पार्ट है उसको झाड़ दीजिए प्रॉपरली। वंस इट वॉशेज ऑफ, आप हल्का सा शैम्पू ले लीजिए। शैम्पू की आवश्यकता आज सच नहीं है, बट क्योंकि ये ग्रैन्यूलर है और थोड़े थोड़े से जो फ्रैगमेंट्स बालों में रह जाते हैं वो नहीं रहने चाहिए आइडियली, तो आप हल्का सा शैम्पू लेके सिर पूरे के पूरे स्कैल्प पे हल्का हल्का झाग बना के वॉश इट ऑफ एंड बिलीव मी द मैजिक इज ऑलरेडी डन। आपको किसी भी प्रकार के किसी कंडीशनर की आवश्यकता नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओवर हियर, जस्ट हैव अ लुक। इस रेमेडी में आशा करती हूं कि मैं आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे पाई हूं जिसकी वजह से आप भी इस रेमेडी को अपने लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे। इफ यू डू सो, डू नॉट फॉरगेट टू कम बैक टू ऑल ऑफ अस एंड टेल अस कि आपके लिए ये रेमेडी कैसी रही। आई वुड लव टू रीड द कमेंट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ यू कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यूजिंग दिस रेमेडी, कैसे आपके रिजल्ट्स रहे। आई एम सुपर एक्साइटेड ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग काफी खुश हो जाएंगे इफ यू गिव दिस अ ट्राई। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए।